नमस्कार दोस्तों, स्टडीपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यशस्वी जय सवाल, जो कि भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 की टीम के हिस्सा है और जहां वे अभी तक टॉप स्कोरर हैं, के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, ज्यादा टाइम खराब न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। यशस्वी जय सवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के भदोही में हुआ था, जो कि 6 बच्चों में से एक थे। 10 वर्ष की उम्र में वे क्रिकेट की शिक्षा पाने के लिए मुंबई के दादर गेचू की दादर मैदान से बहुत दूर था, इसलिए वे कालबदेवी के इलाके में रहने लगे, जहां उन्हें छोटे मोटे काम के बदले डेयरी की दुकान में रहने की व्यवस्था दी गई। कुछ दिनों बाद दुकानदार ने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि वे अपने क्रिकेट प्रशिक्षण के बीच दुकान में कोई मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। इसलिए जायसवाल मैदान के खिलाड़ियों के साथ एक तंबू में रहने लगे, जहां वे भूखे रहते थे और पानी पूरी को बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। तंबू में 3 साल रहने के बाद जनवरी 2013 में ज्वाला सिंह के द्वारा जायसवाल की क्रिकेट प्रतिभा देखी गई। ज्वाला सिंह ने जायसवाल को अपने साथ ले लिया। ज्वाला सिंह सांता क्रूज में एक क्रिकेट एकेडमी चलाया करते थे। उन्होंने जायसवाल की माता पिता की तरह देखभाल की और सबसे पहले उसको ठहरने का स्थान दिया। जायसवाल 2015 में तब प्रकाश में आए जब उन्होंने गाइल शील्ड मैच में 319 रन बिना आउट हुए बनाए और 13 विकेट 99 रन देकर प्राप्त की। उनका यह रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इसी के आधार पर उनका सिलेक्शन मुंबई अंडर 16 टीम में हो गया, जो कि इंडिया अंडर 19 के द्वारा संचालित की जाती है। जायसवाल 2018 के एशिया कप में टॉप स्कोरर रहे, इसी कारण वे टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर चुने गए थे। उनका अंडर 19 एशिया कप जीतने में अहम योगदान रहा। 2019 में उन्होंने यूथ टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका अंडर 19 के खिलाफ 224 बॉल पर 173 रन बनाकर अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखा। ऐसी बहुत सारी पारियां उन्होंने अपने अभी तक के करियर में खेली हैं। अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण उनका सिलेक्शन अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप में हुआ है। अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हुए भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान उनके शतक की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को 10 विकेट से करारी मात दी और अभी तक के वर्ल्ड कप में वे हाई स्कोरर हैं। अपनी मेहनत और लगन की बदौलत आज जायसवाल इस मुकाम पर हैं। यदि हम पूरी लगन से कोई कार्य करें तो उसमें सफलता मिलना तय है। बार बार असफलता सफलता मिलने का संकेत होता है। जायसवाल के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हालात चाहे कैसे भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी लगन के साथ अग्रसर होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो आगे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगे बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।